स्टार्ट किया काम, शुरुआत किया, और जब मैंने इस काम को शुरुआत किया मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, रियल में नहीं आई। बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, सर आपको कितने साल हुए इस बिजनेस को करते हुए, आपको कितने साल हुए इस बिजनेस को करते हुए, और आपने कैसे इतना बड़ा मैनेज किया, और क्या हुआ आपके साथ में, कितने साल आपको काम करते हुए। हर आदमी हिसाब जोड़ता है कितने साल हुए, हर आदमी उंगली लेके बैठता है आपको कितने साल हुए, लेकिन कभी दिमाग में नहीं लाता साल कितने हुए, उससे मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है उससे कि आपको कितने साल हुए काम करते हुए। आप बताओ कि एक आदमी नौकरी करता है 16 साल तो 14-17 हजार के आसपास घंटे वो बंदा काम करता है, 14 हजार समथिंग घंटे काम करता है, 365 को इंटू 8 करना, फिर इंटू 14 करना 16, तो देखना कितने घंटे निकल के आएंगे। जब इस बिजनेस के अंदर हम लोग आते हैं हम बोलते हैं कितने साल काम किया, घंटे तो किया ही नहीं, साल कहां, घंटे नहीं किया लोगों ने, सिर्फ ज्वाइन करना काम नहीं है, वो शॉपिंग की गई है माय डियर फ्रेंड, वो शॉपिंग की, और दुकान से कहीं से भी कर सकते हो, वो काम नहीं है। काम एक्चुअली है क्या, काम करना क्या है, सिर्फ ज्वाइन करने से करोड़पति नहीं बना जाएगा, उसके लिए आपको घंटे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, जोड़ना पड़ेगा, अपने घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मैंने शुरू में नहीं किया था, थैंक यू, मैंने शुरू में नहीं किया था, लेकिन किया मैंने शुरुआत। क्यों किया, कैसे किया, उसका सबसे बड़ा रीजन बताऊंगा। जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत क्यों किया, स्टार्टिंग में शुरुआत मैंने दो चीजों से किया। जितने लोग यहां पर बैठे हैं अगर आपको यह पता लग गया कि मैंने क्यों किया, हो सकता है कि मेरा आपका कुछ मिल जाए। मैंने इस बिजनेस को क्यों शुरुआत किया, उसका सबसे बड़ा रीजन कि भगवान ने हमें हमारी फैमिली दी। लोगों को मां नहीं मिलती, बाप नहीं मिलता, उनसे पूछो मां बाप की कदर क्या है। लोगों के बच्चे नहीं होते, उनसे पूछो बच्चों की कदर क्या है। और जब भगवान फ्री में देता है हम बोलते हैं कोई कदर नहीं, आत्मा रोती है कहीं ना कहीं। इस बिजनेस को किया, नौकरी कर रहा था, बीटेक था, सब कुछ था, वेल सेटल था, लेकिन दिमाग में कसक थी कहीं ना कहीं कि ये इंसान 50,000 रुपए महीने में घर नहीं चला सकता, सबको वेल सेटल नहीं कर सकता। जिस माँ को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज उस माँ को हमारी उंगली की जरूरत पड़ रही है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि उंगली पकड़ ले। क्यों नहीं पकड़ पाते उंगली, कंप्रोमाइज की लाइफ जीना शुरू किया, और बचपन से लेके आज तक बताया कि बेटा तेरी चद्दर जितनी है ना उतने पैर फला। दुनिया के किसी इंसान ने नहीं बोला कि चद्दर छोटी है ना, चद्दर में टुकड़ा जोड़, चद्दर को पूरी बड़ी करो, पैरों का पूरा फला, किसी ने नहीं बताया। फेसबुक चला, व्हाट्सएप चला, टीवी देख, गप्पे मार, आईपीएल देख, सब कुछ देख, सब कुछ कर, जो करना है कर, लेकिन चद्दर छोटी है तो पैरों को सिकोड़, मेहनत मत कर। हर आदमी बोलेगा मेहनत मत कर, मैं बोल रहा हूं आपको, मेरी चद्दर छोटी थी, उसको बड़ी करने के लिए आया।